फाइनली रियलमी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रियलमी 12 प्रो 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ वीवो का पॉपुलर स्मार्टफोन वीवो का T2 प्रो 5G, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो वीवो के T2 प्रो 5G के प्राइस 2000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो रियलमी के 12 प्रो 5G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। क्योंकि एक तरफ वीवो के T2 प्रो 5G में ऑक्टा कोर वाला 2.8 GHz का मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 प्रो 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को वीवो के T2 प्रो 5G में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतु स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ वीवो के T2 प्रो 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 7,22,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 प्रो 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 5,80,000 निकल के आता है। अगर आप लोग इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFS स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ वीवो के T2 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 5100 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4300 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो वीवो का T2 Pro 5G रियलमी के 12 Pro 5G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद वीवो T2 Pro 5G के डिस्प्ले में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। 6.78 इंच की बिग साइज की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1300 निट्स की काफी ज्यादा ब्राइटनेस लेवल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी 12 प्रो 5G में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है, वैसे तो डिस्प्ले में अच्छे स्मूथनेस के लिए आप लोगों को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर जैसे ही आप लोग किसी ऐप में इसको शिफ्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक 90 हर्ट्ज पे चला जाता है, पर जैसे ही आप लोग रियलमी UI में शिफ्ट करते हो तो वैसे ही ऑटोमेटिक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में चला जाता है। तो एक माइनस पॉइंट आप लोगों को रिफ्रेश रेट में जरूर देखने को मिल जाता है रियलमी 12 प्रो की डिस्प्ले में। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ वीवो के T2 Pro 5G में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है तो दूसरी तरफ रियलमी 12 Pro 5G के कैमरे में सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है, बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 MP का सोनी का MS882 का सेंसर देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+32 MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Vivo T2 Pro 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 64 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ वीवो के T2 Pro 5G में भी 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 Pro 5G में भी 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। ऑडियो फीचर की अगर बात करी जाए तो रियलमी के 12 Pro 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो के T2 Pro 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता है। स्टोरेज टाइप की अगर बात करी जाए तो उसमें भी काफी फास्ट आता है रियलमी का 12 Pro 5G, क्योंकि एक तरफ वीवो के T2 Pro 5G UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने मिल जाता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 Pro 5G में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है रियलमी का 12 Pro 5G, क्योंकि एक तरफ वीवो के T2 Pro 5G 4600 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है 66 W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ
Realme के 12 Pro 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 67 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कर्व डिस्प्ले वाला एक नया गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को वीवो के T2 Pro 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग कर्व डिस्प्ले वाला एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को Realme के 12 Pro 5G की तरफ जाना चाहिए।